क्या हाल चाल है भैया, सभी को राम राम है। आज आपने लगे हमारे यहाँ पर नॉइस के बर्ड्स एक्स प्राइम, नए नए ईयरबड्स हैं और 1500 रुपए के अंदर के प्राइसिंग में मिलने वाले हैं। भैया इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, इसकी बैटरी परफॉर्मेंस काफी तगड़ी देखने को मिलने वाली है, तो बातचीत करते हैं इसके बारे में डिटेल में। और उससे पहले कहना चाहूंगा कि भाई का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डब्बा खोलते डब्बा को मस्त ब्रांडिंग देखने को मिलती है, बर्ड्स एक्स प्राइम लिखा हुआ है। कंटेंट पैकेज की बात करें हम लोग यहाँ पे अंदर, तो आपको एक मैनुअल मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक साल का वारंटी कार्ड, कुछ स्टीकर वगैरह, एक चार्जिंग केबल मिलेगी आपको टाइप सी वाली, और एक्स्ट्रा सिलिकॉन की एयर ट्यूब्स दे रखे हैं, लार्ज मीडियम स्मॉल साइज के, एडजस्ट कर लेना अगर तुम्हें लग रहा है कान में लग नहीं पा रहे प्रॉपर। और बाकी निकल के आ जाते हैं तुम्हारे यहाँ पे झमाझम से ईयरबड्स। अब ईयरबड्स की देखोगे ना डिजाइन और लुक को लेकर थोड़ा सा अलग और डिफरेंट सा देखने को मिलता है, और साइज भी थोड़ा सा बड़ा सा नजर आ रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने ड्यूअल टोन का यूज कर रखा है, एक तो व्हाइट आपको देखने को मिलता है और व्हाइट में ना हल्के से छींटे डले हुए कलर के छींटे डाल दिए इन्होंने, और ऊपर आपको जो एक ग्लॉसी वाली चीज देखने को मिलती है। अच्छा, इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग वाली चीज है थोड़ी डिफरेंट लगी, मुझे अच्छी भी लगी, थोड़ा सा यूनिक इन्होंने यहाँ पे करने की कोशिश करी है, और जब ये बंद रहता है ना तो थोड़ा सा अलग ही फील इसका आ रहा है। कैरी करने के हिसाब से पॉकेट में थोड़ा सा बल्ज आपको आएगा, बाकी मेरे हिसाब से आप इसको पर्स वगैरह या फिर बैग वगैरह में कैरी कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। टाइप सी का पोर्ट दे रखा है बॉटम में आपको, और फ्रंट में आपको लाइट इंडिकेशन मिल जाएगी, और नॉइस की ब्रांडिंग जो है यहाँ पे कर रखी है इन्होंने। अच्छा, केस को जैसे आप ओपन करोगे आपके ईयरबड्स देखने को मिलेंगे। अब ईयरबड्स में भी आपको जो है ड्यूअल टोन फिनिश देखने को मिलती है, ग्लॉसी प्लस मैट का कॉम्बिनेशन है। अब मेरे पास जो कलर रखा है ये शैम्पेन व्हाइट है, इसमें 3-4 कलर और अवेलेबल कर रखे हैं। वैसे मैं ईयरबड्स के डिजाइन को लेकर बात करूँ तो फिटिंग के मामले मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे, मतलब आपके कान में बहुत सही तरीके से फिट जाते हैं, और अगर आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हो, रनिंग वगैरह कर रहे हो, कान से गिरते नहीं है, तो फिटिंग के मामले मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। और जो इसका ये फ्लायर बर्ड टाइप का जो डिज़ाइन भी है ना, कहीं ना कहीं अच्छा भी है, मतलब आप अगर देखेंगे तो आपको मतलब फिटिंग सही तो मिलती है, इवन जो लाइट वेट है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कंफर्ट के मामले में अच्छे होते हैं। अगर आप फ्यूचर में लंबे समय के लिए यूज़ कर रहे हो, 2-3 घंटे मूवी देखना है या फिर 4-5 घंटे आपको शो निपटाना हो ऐसा, तो आप इसको पहन के बिंदास इस्तेमाल कर पाओगे। अब इस डिवाइस में एक चीज़ ख्याल रख सकते हैं आप, अगर आपको लग रहा है कि कान में बैठ नहीं पा रहे तो यहाँ पर सिलिकॉन की ये टिप्स हैं, चेंज कर लेना जो भी आपके कान में बढ़िया फिट हो सके। अब बात करूंगा हार्डवेयर को लेकर, क्योंकि हार्डवेयर बड़ा मैटर करता है। यहाँ पर जो है ब्लूटूथ 5.3 दे रखा है, और कनेक्टिविटी में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है, और हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी भी है, तो मतलब एक बार आपने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस से तो फटाक से जो है ये कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर सीमलेस वर्क करता है एकदम। अब वहीं रही बात रेंज को लेकर, तो 10 मीटर की रेंज है, 10 मीटर की रेंज में प्रॉपर वर्क करेंगे, ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपका साउंड ब्रेक वाला सीन होगा, और ना ही मतलब आपको जो है क्लैरिटी में कोई फर्क देखने को मिलेगा, रेंज जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर वाटर रेटिंग एक बड़ा सवाल हो जाता है, तो वाटर रेटिंग के मामले में आपको IPX रेटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, और अगर आप इसको नॉर्मल शावर वगैरह में या फिर आप हल्के फुल्के स्प्लैश में इसको इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक फॉर अगर आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, स्वेट वगैरह आ रहा है, तो आप बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हो, दिक्कत नहीं आने वाली। बट सबसे बड़ी चीज़ इस डिवाइस की है वो है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस। बैटरी परफॉर्मेंस के मामले में काफी तगड़ी बैटरी यहाँ पे लगा रखी है, और 120 घंटे चल जाती है। अब 120 घंटे का बैटरी बैकअप मतलब मेरे से बहुत ज्यादा तगड़ा हो जाता है, और जिस तरह के साइज दिख रहा है ना, ऐसा लगा नहीं था कि इसमें इतनी बड़ी बैटरी लगा रखी होगी इन लोगों ने, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पे क्लेम किया है। अगर सिंगल चार्ज की बात करें, सिंगल चार्ज में आपका 5-6 आवर्स की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एट 50-60% ऑफ वॉल्यूम। वहीं अगर आप इसमें टाइप सी पोर्ट देखते हैं तो आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, इंस्टा चार्ज वाली टेक्नोलॉजी भी दे रखी है। तो इन केस अगर आपने इस डिवाइस को चार्ज पे लगाया 10 मिनट के लिए, तो आप 200 मिनट तक जो है यहाँ पर म्यूजिक वगैरह एंजॉय कर सकते हो। तो भैया बैटरी के मामले में बहुत ही तगड़ा आपको डिवाइस ही मिलता है। अब मैं खास बात करूंगा यहाँ पे बेस लेवल्स के लिए, 11mm के ड्राइवर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, और साउंड क्वालिटी में जो बेस तगड़ा यहाँ पर निकल के आ रहा है, फाइनली मैं नॉइस से इंप्रेस हुआ। तो नॉइस के ईयरबड्स में ना बेस उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता जितना बोट वगैरह और दूसरे ब्रांड्स के ईयरबड्स में होता है, बट इस वाले ईयरबड्स में काफी अच्छा काम किया है। इसमें आपको 2 EQ मोड भी प्रोवाइड कर रखे, एक तो आपका नॉर्मल मोड रहेगा और एक आपका बेस मोड रहेगा। बेस मोड में जब आप ऑन करोगे तो क्या ही तबाही बेस आपको यहाँ पे सुनाई देता है, और बजट के हिसाब से इसका बेस पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। ट्रेवल्स की बात करूँ, ट्रेवल्स भी काफी क्लीन है, क्लियर आपको सुनाई देती है, दिक्कत नहीं आएंगी। हाँ, थोड़ा सा मिड वाला पार्ट और बेहतर हो सकता था मेरे हिसाब से, बाकी जो ट्रेवल्स के हाईस और लोज हैं वो काफी अच्छे सुनाई देते हैं। लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी है, फुल वॉल्यूम पे आपको कान में चुभेंगे नहीं या कान में इरिटेट नहीं करेंगे। तो एज सच ओवरऑल टर्म्स में अगर बात करूँ मैं साउंड क्वालिटी को लेकर, तो फॉर द प्राइसिंग काफी बढ़िया और बेहतर आपको यहाँ पे मिल जाती है, और डेफिनेटली कॉम्पिटिशन को कहना कि टक्कर ये देने वाला है। अब रही बात कॉलिंग को लेकर, कॉलिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, एक अच्छे माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन वाली चीज तो ठीक है, पर यहाँ पर कॉर्ड माइक्रोफोन वाली चीज जो है ना वो थोड़ा सा और बेहतर बना देती है। एक माइक्रोफोन आपकी आवाज को पहुंचाने के लिए, और दूसरे माइक्रोफोन जो रहते हैं बेसिकली आपका वो नॉइस कैंसलेशन के लिए होता है, सराउंडिंग की जो भी नॉइस वगैरह होती है उसको कैंसिल कर देता है, ताकि सामने वाले को सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई दे, आसपास का शोर ना सुनाई दे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है वो अपन एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो ईयरबड्स के माइक्रोफोन से आ रही है, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ईयरबड्स देंगे जब भी आप इसको कॉलिंग के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे।
अब ऐसा है देखो भैया, बजट ईयरबड्स की जब भी बात आती है तो गेमिंग भी कहीं ना कहीं सवाल में उठता है। तो यहाँ पर आप गेमिंग कर पाओगे, 50 ms की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी इन ईयरबड्स से, जो कि मेरे हिसाब से भैया डिसेंट है। अगर आप गेमिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो 40 ms वाले भी आपको देखने को मिलते हैं, 40 ms से कम वाले भी आपको मिल जाते हैं। बट एक ओवरऑल टर्म्स में अगर आप नज़र डालते हैं इस पे और खरीद रहे हैं गियरबड, तो भैया हाँ, गेमिंग भी आप इस डिवाइस में कर पाएंगे। अब रही बात यहाँ पर टच को लेके, तो टच का रिस्पांस काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत ही प्रॉपर है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि वॉल्यूम कंट्रोल प्रोवाइड कर रखा है, नहीं तो बहुत सारे जो ईयरबड्स मैंने देखे ना उसमें वॉल्यूम कंट्रोल वाली चीज़ मिसिंग होती है, यहाँ पर दे रखा है, तो मैं उससे पर्सनली काफ़ी इंप्रेस हुआ। तो फाइनल लेकर देखो, मैं कंक्लूजन की बात करूँ या मेरे अपने ओपिनियन को लेकर बात करूँ इस डिवाइस को लेकर, तो यार डिवाइस फॉर द प्राइसिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब ये किन लोगों के लिए रहने वाला है? सबसे पहले जो बेस लवर्स हैं उनको बड़ा मजा आएगा, वो इस डिवाइस को चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा, वो जिनको बैटरी परफॉर्मेंस काफी तगड़ी चाहिए, क्योंकि ना बैटरी जो है कहीं ना कहीं कंसर्न रहता है, लंबे समय तक चल जाए और एक ही बार चार्ज करना पड़े, बार बार चार्ज ना करना पड़े, तो हाँ उसके लिए बढ़िया है। और कॉल वगैरह भी आप इस पर डेफिनेटली जो है यूज कर सकते हैं। तो इन ओवरऑल टर्म्स आपके लिए ये पर्पज है जिसके लिए आप सुन सकते हैं। गेमिंग के लिए पर्सनली मना करूंगा, गेमिंग के लिए आप दूसरे ईयरबड्स भी ट्राई आउट कर सकते हैं। बट अगर आपको ये डिवाइस इंटरेस्टिंग लगा है तो कलर ऑप्शंस के साथ साथ मैंने इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से चेकआउट कर लेना, भाई को प्यार भी दे देना जाते जाते लाइक करके, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। कमेंट जब भी करते हो खुशी मिलती है, कमेंट नहीं करते ना तो फिर लगता है मजा ही नहीं आ रहा है, तो कमेंट कर देना एक प्यारा सा। आगे मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।